हेलो एवरीवन डेट है आज की इलेवन अक्टूबर 2020 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे साथ ही साथ आज संडे हैं सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं दोज आर्टिकल वी विल डिस्कस केयरफुली विद द हेल्प ऑफ नोट्स नाउ द फर्स्ट न्यूज़ दिज इज कमिंग डेट इज टी तमिलनाडु डिफेंस मुलापैरिया टैम पैनल सो वॉट इज द इशू इज ऑल अबाउट इशू इज़ दैट जो वहाँ पे एक पंचायत है ब्लॉक पंचायत है केरला की वहाँ के जो पर्सन हैं उन्होंने अपना जो चिंता है वो बताई थी कि जो प्रॉपर सुपरविज़न नहीं हो पा रहा है वाटर लेवल का जो कि सेंचुरी ओल्ड मतलब सौ साल पहले तक का जो डैम है लोकेटेड अलोंग द पेरिया टाइगर रिजर्व तो ये इसके पीछे का रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सब कमेटी जो तमिलनाडु है उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सब कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पावर दिए थे वो पास आउट नहीं हुए हैं अब इशू को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के बेसिस पे तो सबसे कॉन्टेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसाइड किया है कि एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि जो मुल्ला पेरिया डैम है उसका मॉनसून सीजन में जो लेवल है वो थोड़ा कम करना चाहिए अब बैकग्राउंड क्या है तो जो पिटीशन फाइल की गई है वो रेसिडेंट हैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के जो वाटर लेवल को कम करना चाहते हैं मुला डैम का वन फिफ्टी वन थर्टी फीट चाहते हैं Uh, क्योंकि ये अर्थक्वेक की वजह से इसमें खतरा है और उसमें अप्रोक्सीमेटली थ्री मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं डैम के वाटर uh, के फ्लो में फ्लड्स इन द एरिया एंड मॉनसून प्रोग्रेस इन द स्टेट अब मुलापैरिया डैम के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो डैम है वो केरला में लोकेटेड है बट इट इज़ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु फॉलोइंग एन एटीन एटी सिक्स लीज इन फॉर नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ईयर्स अब जो पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हुआ था और उस उस वो साइन किया गया था महाराजा ऑफ ट्रावनकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क अब जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन एटीन एटी सेवन से 1995 नाइन्टी फाइव के बीच में हुआ था और डैम जो है वो रीडायरेक्ट करता है रिवर जो रिवर हैं मुल्ला और पेरियार रिवर उनका जो फ्लो है उसको बे ऑफ बंगाल की तरफ कर देता है इंस्टेड ऑफ़ अरेबियन सी और फिर वो एरिड रीज़न जो सूखा रीजन है मैदोई मद्रास प्रेसिडेंस में वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करता है अब जो डैम है वो दोनों रिवर मल मुलायार एंड पेरियार रिवर के <coughs> सॉरी इन केरलास इडुक्की डिस्ट्रिक्ट अब इशू जो है वो क्या है द लीज एग्रीमेंट जो है वो नाइनटीन सेवेंटी में रीन्यू हुआ था और तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु को जो है लैंड और वाटर राइट डैम से मिल गए थे अब अथॉरिटी टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट साइट इन रिटर्न और हाइड्रो पावर जो है वो रिसीव करने का भी राइट मिल गया था तमिलनाडु को और इसके बेसिस पे केरला को रेंट मिलना था तमिलनाडु से अब यहाँ पे जो क्रैक है वो 1979 में माइनर अर्थ को एक वहाँ पे आया और जिससे कि डैम में क्रैक आ गया अब जो सेंट्रल वाटर कमीशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने बोला कि जो वाटर का लेवल है उसको लोअर कर देना चाहिए वन फोर्टी टू फिट से वन थर्टी सिक्स फिट अब इफ़ डेफिनेटिव मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड तो जो तमिलनाडु जो है वो वाटर लेवल को फुल कैपेसिटी बढ़ाना चाहता था अब तमिलनाडु का क्या कहना है तमिलनाडु क्लेम्स ऑल इट हज़ टेकन अंडरटेकन द मेज़र टू स्ट्रेंदन द डैम लेकिन केरला गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ बढ़ाने दे रहे हैं जिससे कि मदुरई के फार्मर्स को लॉस हो रहा है अब केरला का आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये जो डैम है वो अर्थक्विक प्रोन रीजन में आता है और वहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम डैम के डाउन स्ट्रीम जो सिटीजन्स रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इससे खतरा है थ्रेट है साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि अगर सिक्स रिक्टर स्केल पे अगर सिक्स से ज़्यादा का अर्थ को आता है तो डैम जो है वो क्रैक हो सकता है और थ्री मिलियन जो वहाँ पर्सन रहते हैं उनकी लाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है सुप्रीम कोर्ट ने टू थाउजेंड में वर्डिक दिया गेप तमिलनाडु लीगल सेंक्शन टू रेक वाटर लेवल टू वन फीट तो जो केरला है उन्होंने अमेंड कर दिया अपना लॉ और इ, इ, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन एक्ट बनाया जिससे कि वाटर लेवल जो है वो 136 फीट से ज़्यादा बढ़ाया ना जा सके फिर 2012 में जो एपेक्स कोर्ट है उन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी उन्होंने बोला कि जो डैम है वो सेफ है और उसका लेवल जो है वो बढ़ाया जा सकता है तो ये इशू है मुल्ला पेरिया डैम को लेके। नाउ नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट वेलकम दीज बिंग इन्फिल्ट्रेटर्स तो पाक पाकिस्तान की एक बटरफ्लाई है चाइनीज़ की ड्रैगन फ्लाई है और ये दोनों जो पाकिस्तान आ, की जो बटरफ्लाई है दैट इज़ फाउंड इन द ये जो बटरफ्लाई है वो फाउंड होती है राजस्थान के डूरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में लेकिन एक्चुअली ये पाकिस्तान के जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके खैग खैबर पखतूनबा और पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में मिलती है ऐसे ही जो ड्रैगन फ्लाई है वो सर्दन अरुणाचल प्रदेश के नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व में मिल रही है बट एक्चुअली ये चाइना में मिलती है दैन नेक्स्ट इज़ जैब्रा स्क्रीपर जो है वो भी ये यह यहाँ पे राजस्थान में मिल रहा है तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल नाउ डेली एयर क्वालिटी लाइकली टू इम्प्रूव टूडे एस ए एफ ए आर अब जो एस एफ ए आर है उसके बेसिस पे अपन को देखना है ऐसे एफ ए आर अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च एस एफ ए आर जो है वो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च का सिस्टम है इसके बेसिस पे नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं एस ए एफ ए आर जो सिस्टम ऑफ़ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च है वो नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो भी मेट्रोपोलिटन सिटी है उसमें जिससे कि ओवरऑल पॉल्यूशन का लेबल और एक लोकेशन स्पेसिफिक उनको पता चल सके कि क्वालिटी क्या है एयर की यह जो सिस्टम है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है मतलब अपनी कंट्री में ही डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड इस ऑपरेशनलाइज बाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब इसमें जो है एक जाइंट ट्रू कलर एल ई डी डिस्प्ले है जो रियल टाइम क्वालिटी इंडेक्स देती है ट्वेंटी फोर सेवन कलर कोडिंग के बेसिस पे और ट्वेंट सेवेंटी टू आवर्स पहले ही बता देती है कि क्या क्वालिटी रहेगी एयर की द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक और इसका जो अल्टीमेट एम है वो है कि जनरल पब्लिक में थोड़ा अवेयरनेस आए एयर क्वालिटी को लेके सिटी में जिससे कि वो अप्रोप्रिएट कुछ मिटिगेशन मेजर लें पॉल्यूशन को कम करने का सोचें थोड़ा कम पॉल्यूशन रेस करें तो अवेयरनेस ड्राइव करते हैं ये सिटी में जिससे कि जो पब्लिक है उसको एजुकेट किया जाता है देन इट आल्सो हेल्प द पॉलिसी मेकिंग टू डेवलप मिटिगेशन स्टेट कीपिंग इन माइंड नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सफ़र है वो तो एंट्रीगल पार्ट है इंडिया के फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है दिल्ली में उसका फिर इट मॉनिटर्स ऑल वेदर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन यू वी रेडिएशन एंड सोलर रेडियशन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एयर क्वालिटी मेज़र कैसे होती है जो एयर क्वालिटी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेज़र होती है इसमें जो है सिक्स पार्टिकल्स को मेज़र किया जाता है दैट इज़ एयरबोन फाइव मेज़र एयर पॉल्यूटेंट्स को किया जाता है और इंडिया में हम दो और पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करते हैं दैट इज अमोनिया एंड वन इज़ लेड तो एयरबोर्न पार्टिकल और एरोजॉल सल्फर डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ग्राउंड लेवल ओजोन तो इनको मेज़र किया जाता है हाउ पी एम टू पॉइंट फाइव मेज़र्ड तो जो मोस्ट कॉमन मेज़रमेंट यूज़ किया जाता है एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए दैट इज़ पी एम टू पॉइंट फाइव इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसकी साइज़ जो है वो टू पॉइंट फाइव माइक्रो मीटर होती है बहुत बहुत ही छोटी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में इसकी साइज़ होती है अब एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए पीएम एम टेन का भी यूज़ किया जाता है जिसमें कि पार्टिकल की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दैट इज नेक्स्ट पेज बी नीड कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज अब यहाँ पे जो ये डॉक्टर सोमर सौमित्र पाथरे हैं इन इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं ये एक्चुअली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बेसिस पे इनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि जो भी मेंटल हेल्थ है उसके लिए अपना जो लॉ है उसमें प्रोविज़न जो है वो करेक्ट नहीं है जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मैरिज लॉज हैं हिंदू मैरिज एक्ट है नाइनटीन का और स्पेशल मैरिज एक्ट है नाइन्टीन फिफ्टी फोर का उसमें जो मेंटल इलनेस है वो डायवर्स का रीज़न हो सकता है इवन जो एच आई वी जैसी फैटल uh, डिसीज़ है वो डाइवोर्स का रीज़न नहीं हो सकता बट दिस कैन बी द रीज़न अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन है उसमें जो है वो वोटिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो भी पर्सन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से uh, uh, ग्रसित है उसको जो है वोटिंग डिनाई कर दी गई है गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी कि मेंटल इलनेस तो उस एक्ट में कहीं पे लिखा नहीं है प्रोविज़न में बट वहाँ पे एक वर्ड का मेंशन है दैट इज़ अनसाउंड माइंड तो उसके बेसिस पे पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है इल होता है तो उसके बेसिस पे उसको वोट देने के लिए नहीं दिया जाता अब हिंदू मैरिज एक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वैन एक्ट वॉज अमेंडेड लेप्रेसी और एलेप्रेसी uh, जो है उसको हटा दिया गया वो भी तो uh, ऐसी डिसीज़ हैं लेकिन उनको हटा दिया गया बट uh, यहाँ पे जो ये डॉक्टर हैं उनका कहना है कि कम्युनिटी जो वेस्ट है वी नीड टू प्रोवाइड कम्युनिटी वेस्ट मेंटल हेल्थ सर्विसेज नॉट लार्ज असाइलम अभी मेंटल असाइलम होते हैं वहाँ पे जो भी मेंटली रिटार्डिड पर्सन होता है उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है अपने हाल पे तो उसके बेसिस पे डॉक्टर का कहना है कि लार्ज असाइलम की ज़रूरत नहीं है वी नीड मेंटल हेल्थ सर्विसेज जिससे कि जो पीपल हैं वो उनको कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल सके और जो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगी और उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी नाव रिपब्लिक साइटिंग एस सी हियरिंग रिपब्लिक टी वी सी एफ ओ स्केप समन बाय पुलिस सो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है टीआरपी मैनिपुलेशन तो इशू क्या है थ्री जो कंपनीज़ हैं उनके उन आ, थ्री जो न्यूज चैनल की न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बेसिस पे उनसे बोला गया कि आपने टीआरपी का मैनिपुलेशन किया है आप टीआरपी का इशू देख लेते हैं जो मुंबई पुलिस है उन्होंने थ्री चैनल्स जो है उन पर आरोप लगाया एलिस कि आपने जो टीआरपी है उसका एक्सेसिवली uh, आपने यूज़ किया है और अब फंड्स जो हैं वो उससे आपको एडवरटाइजमेंट में आए हैं अब जो टीआरपी है वो होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट और कभी कभी इसको टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं और ये जो है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो यूज़ करती हैं अपनी व्यूअरशिप को एवेल्यूट करने के लिए अब जो टी है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने पीपल हैं और किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अमीर हैं गरीब है रूरल है अर्बन है उसके बेसिस पे उन्होंने जो चैनल है वो वॉच किया है और एक पर्टिकुलर टाइम में कितने पीरियड तक वॉच किया है अब ये रिकॉर्ड कैसे किया जाता है टी रिकॉर्ड करता है ब्रॉडकास्ट ऑडिय ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यूज़ करके बार ओ मीटर जो कि टेलीविज़न पे इंस्टॉल होते हैं सेलेक्टेड हाउस होल्ड के टेलीविज़न पे इंस्टॉल होते हैं अभी तक बार्क ने जो है वो फोर्टी फोर थाउजेंड हाउस होल्ड के पास में ये जो है वो मीटर इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे ऑडियो विजुअल जो वाटर मार्क हैं वो एम्बेड होते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन क्या उसमें देख रहा है अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इस डेटा के बेसिस पे जो है रेटिंग्स असाइन की जाती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स को टेलीविज़न पे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे प्राइम टाइम वग़ैरह आता रहता है नाइन पीएम पे रात में तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन किस प्राइम टाइम को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है अब जो टेलीविज़न रेटिंग्स हैं वो इन्फ्लुन्स कर देती हैं प्रोग्राम प्रोड्यूस फॉर द व्यूअर्स अब उसके बेसिस पे फिर जो न्यूज़ चैनल है वो बोलते हैं कि इस प्रोग्राम की टीआरपी सबसे ज़्यादा है या कोई भी पर्सन जो कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल होता है तो उसकी भी टी आर मेजर की जाती है तो जो वेटर रेटिंग है वो प्रमोट करेगी प्रोग्राम को और पुअर रेटिंग डिस्करेज करेगी प्रोग्राम को अब जो इनकरेक्ट रेटिंग है जो अभी जो ये इशू है इनकरेक्ट रेटिंग जो है वो प्रोग्राम के प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी उसको पॉपुलर बना दिया गया है तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है अब ये बॉडिस बार्क इट इज़ एन इंडस्ट्री बॉडी जॉइंटली ऑन बाय एडवर्टाइजर एड एजेंसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब आपको इस क्वेश्चन से ऐसा पूछा जा सकता है इट इज़ द स्टेचुरी बॉडी अंडर द ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च एक्ट ऐसा कुछ बोल के कोई भी क्वेश्चन बना देगा और आप आ, वो लोगे कि हाँ ठीक है ये स्टेचुरी बॉडी है बट नो इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के कोलेबरेशन से बनी है अब ये जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इन्होंने नो, नोटिफाई किया है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेस्टिंग एजेंसीज इन इंडिया ऑन जनवरी फोर्टीन तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ थी नाउ नेक्स्ट इज श्रिंकिंग स्पेस फॉर विंटेज बिजटर आ कॉज ऑफ कंसर्न इसको ये इशू जो है वो माइग्रेटरी वर्ड्स जो इंडिया में आते हैं और स्पेशली इस आर्टिकल में जो बात की गई है कि जो माइग्रेटरी वर्ड्स जो मुंबई में आते हैं उसके बेसिस पे उनका जो हैबिटेट है वो ट्वेंटी परसेंट ही बचा हुआ है जो आज से फोर डेकेट पहले फोर्टी इयर्स पहले हुआ करता था उसका सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ही बचा हुआ है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं और पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके बेसिस पे जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं उनका आना अब बहुत ही कम हो गया है अब जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ग्रुप का एक बेबीनार हुआ था उस बेबीनार के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई जो उन्होंने डिस्कस किया कि जो बेट हैं अर्बन में अर्बन एरिया में जो बैट हैं जैसे कि लेक है पौड है और थोड़ा रिवर भी हो सकती है अर्बन एरिया से अगर वो पास हो रही हो तो वो फ्लैमों फ्लेमिंगो जो है वो वहाँ पे आते हैं अब उसको जो है वो न्यू एयरपोर्ट बनाने के लिए दे दिया गया है ज ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ट्वेंटी टू किलोमीटर ब्रिज जो कि मैंग्रोव्स और मड फ्लैट्स ऑफ नबी मुंबई के बीच में जाते हैं अब जो है वो लार्ज नो लार्ज फ्लॉकिंग ऑफ फ्लैमेंगोज़ एट बे द लाइज बिटवीन थाने क्रीक एंड अरेबियन सी तो अब अपन को ये फ्लोरिकन जो है वो फ्लैमिंगज जो हैं वो देखने नहीं मिलेंगे अब पूरा ब्रॉडर ये जो इशू है माइग्रेटरी वर्ड्स का उसको देख लेते हैं उसके लिए कोई यूएन की कन्वेंशन है क्या उसके बेसिस पे इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं यहाँ पे ब्रॉडर ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम तो उसके बेसिस पे ये बता रहा हूँ मैं कि जो माइग्रेटरी स्पसीज़ हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं जब उनको कोई हार्स वेदर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है वो फूड सनलाइट या टेम्परेचर कोई भी चीज़ हो सकती है तो जो जब वो हैबिटेट के एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक जाते हैं तो दैट हैबिटेट का जो गैप है वो एक्सपेक्ट थाउजेंड ई से भी थाउजेंड जो आ, मतलब किलोमीटर से भी माइल्स से भी ज़्यादा हो सकता है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं कुछ मैमल भी हैं तो जो माइग्रेटरी रूट है वो इन्वॉल्व हो सकता है उसमें वो लोग नेस्टिंग कर सकते हैं रास्ते में और अवेलेबलिटी ऑफ हैबिटेट बिफोर एंड ईच आफ्टर ईच माइग्रेशन अब यहाँ पे इन द इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी स्पिटी थ्रू आउट देअर रेंज कंट्रीज एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज सी एम एस हैज़ बीन इन्फोर्स अंडर दफ़ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये जो है वो कन्वेंशन लॉन्च की है इसको वॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है और ये 1979 में जर्मनी में साइन हुई थी इट प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट एंड ब्रिंग्स टूगेदर द स्टेट्स थ्रो विच माइग्रेटरी एनिमल्स पास जिस जिस भी स्टेट्स मतलब जिस प्लेस से माइग्रेटरी स्पीसीज पास होते हैं उसके बेसिस पे है कोई रेंज है कोई स्टेट्स है लीगल फाउंडेशन इसमें ले करते हैं इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड कन्वेंशन है देन इंडिया जो है वो होस्ट फॉर थ्री इयर्स फॉर कन्वेंशन कन्जरवेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और ये जो बीक लॉन्ग एक लंबी ए, मतलब एक बीक तक ये कन्वेंशन जो होती है वो फोकस रखते हैं कि एडॉप्ट करना है जिससे कि जो डिक्लाइन है वो थोड़ा कम किया जा सके कि माइग्रेटरी स्पिसीज़ एनहेंसिंग इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ़ जोग्राफिकल एरियाज़ टू सपोर्ट माइग्रेटरी स्पीसीज टुगेदर। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एट पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशियन एलिफेंट जो हैं वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं और टोटल उनकी पॉपुलेशन लेस देन फिफ्टी थाउजेंड है और ये कम क्यों हो रही है बिकॉज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लैंडस्केप चेंजेस ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं इंडिया का सी एम एस में क्या आ, योगदान है टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया में है और इंडिया जो है वो एट परसेंट पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है अब अपना तो मंत्री रहा है कि अतिथि देवोभव माइग्रेटरी स्पिसज़ जो हैं वो प्लैनिट को कनेक्ट करती हैं तो इसलिए उनको अपन को वेलकम करना चाहिए तो इसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन थी क्स्ट वन आसाम टू सबमिट रिपोर्ट ऑन एस सी एस टी स्टेटस बाई अक्टूबर थर्टी जो आसाम गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि आसाम में रहने वाली जो सिक्स ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको एस ST का इस्टेटस दे दिया जाए जो कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस होता है वहाँ पे जो सिक्स कम्युनिटीज़ हैं जिनको आ, ट्री ट्राइब कहते हैं तो ये जो सिक्स कम्युनिटीज़ हैं उनको एसटी ST का स्टेटस दिया जाना है अब उसके बेसिस पे जो दूसरे वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इसको इसके अगेंस्ट हैं बिकॉज अगर आ, आसाम गवर्नमेंट इन सिक्स ट्राइब्स को जो है वो एसटी का स्टेटस दे देती है तो उसके बेसिस पे फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं पंचायत इलेक्शन है, या जो भी सारी चीज़ें हैं उनमें इन कम्युनिटीज़ को भी रिज़र्वेशन मिलने लगेगा तो जिससे कि एग्जिस्टिंग जो एस हैं उनका कंसर्न ये है कि उनका रिजर्वेशन उससे अफेक्ट होगा तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ है इशू देख लेते हैं एक बार नोट्स के बेसिस पे जो ट्राइब्स हैं आसाम में उन्होंने डिमांड किया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब चाहिए सिक्स कम्युनिटीज़ को और फिफ्टीन अक्टूबर उन्होंने डेड रखी है जो कमेटी है होम मिनिस्ट्री ने बनाई है महेश कुमार सिंगला जो हैं उसके चेयरमैन हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी सेटअप की थी मार्च फर्स्ट में और फिफ थ्री मंथ का टाइम दिया था अंटिल फिफ्टीन अक्टूबर जो कमेटी है उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो बात की और सिक्स कम्युनिटीज़ जो है उन्होंने अपनी बात रखी कि उनको इंक्लूड किया जाए एस लिस्ट में एज वेल एज़ दो अपोज टू द डिमांड अब जो सिक्स कम्युनिटीज़ हैं वो हैं ये सिक्स कम्युनिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं वो अभी ओ की लिस्ट में आते हैं अब जो अहोम हैं हु बिलोंग टू टाई रेस रूल्ड आसाम नियरली सिक्स हंड्रेड ईयर्स और उन्होंने मेजर रोल प्ले किया है बहुत सारी जो एथनिक कम्यूनिटीज़ हैं आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली में और उनकी कॉमन आसामीस आइडेंटिटी बनाई है देन मोरस एंड मटाकाज हुज रूट्स कैन बी ट्रेस टू होकांग वैली इन बर्मा एड माइग्रेटेड टू असम बिफोर द होम्स एंड फेज्ड इंक्रीजिंग ऑपरेशन फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है कि किस कम्युनिटी को एस टी डिक्लेयर किया जा सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब जो है उसको कैसे दिया जाएगा आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स उसका जो क्लास ट्वेंटी फाइव है मैंसन करता है सच ट्राइवल और ट्राइवल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ ग्रुप विद इन विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज आर डिमांड अंडर आर्टिकल टू थ्री फोर्टी टू टू बी सेड्यूल ट्राइब्स तो आर्टिकल थ्री फोर्टी टू एम्पावर करता है प्रेजिडेंट को स्पेसिफाई करने के लिए आफ्टर कंसल्टे विद गवर्नर द ट्राइबल ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज विच सेल्फ डीम्ड टू बी सेटिकुलर स्टेट और यूनियन टेरेटरी विद पार्लियामेंट हैविंग द राइट टू एड और डिलीट फ्राम द लिस्ट अब पावर प्रेजिडेंट के पास है लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं ट्राइब्स को देन नेक्स्ट uh, जो न्यूज़ है फॉलो एस ओ पी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो एस ओ पी इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सारे स्टेट्स को गाइडलाइन इशू की है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है जब भी क्राइम अगेंस्ट जो भी वुमेन है वो रजिस्टर कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि जो एविडेंस एक्ट है 1872 का वो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई विक्टिम है और वो अगर डाई हो रहा है उस पर उस कंडीशन में अगर कोई वो स्टेटमेंट दे रहा है रिटर्न दे रहा है या बर्बल दे रहा है तो उसको एक रिलेवेंट फैक्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा ये न्यूज़ जो है वो हाथरस केस के बेसिस पे है कि वहाँ पे जो नाइनटीन इयर्स ओल्ड जो गर्ल है उसको गैंगरेप किया गया था और उन उसने स्टेटमेंट दिया था कि सी वॉज़ सेक्शुअली असोल्टेड बाय फोर मैन ठीक है तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है सेक्शन थर्टी टू वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्स प्रोवाइड द स्टेटमेंट रिटर्न और बर्बल हु इज डेड बी ट्रीटेड एज रिलेवेंट फैक्ट इन द इन्वेस्टिगेशन व्हेन द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ अब इसके बेसिस पे है अब स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो सबसे पहला स्टेप जो है सम ऑफ द मैंडेटरी मेजर हैव टू बी टेकन केसेज ऑफ़ क्राइम अगेंस्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर इन केस ऑफ कॉगनीजल ऑफेंसिस इंक्लूडिंग सेक्शुअल असोल्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन यूज ऑफ सेक्शुअल असल्ट एविडेंस कंपाइलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेक्शुअल असल्ट केसेज इन टू मंथ्स यूज ऑफ द नेशनल डेटा बेस ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग रिपीट ऑफेंडर्स अब इसके बेसिस पे ये है अब जो ऑर्डर है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेड स्टेट पुलिस टू मोनिटर कॉम्प्लियंस उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम सेक्शुअल असोल्ट के लिए दिया है अब यहाँ पे जो लॉ है वो इनेबल करता है पुलिस को एफ आई आर रजिस्टर करने के लिए ज़ीरो एफ आई आर पुलिस भी रजिस्टर कर सकती है इसके बेसिस पे तो ये इशू है ज़ीरो एफ़ आई आर किस बेसिस पे पुलिस रजिस्टर कर सकती है जब अगर जो केस है वो उनकी टेरिटरी में ना हो रहा हो और जो विक्टिम हैं वो फिर भी केस रजिस्टर करवाना चाहते हैं तब केस पुलिस को रजिस्टर करना ही पड़ेगा ज़ीरो एफ़ आई आर के बेसिस पे अब जो नेक्स्ट है नेवी टू होल्ड पास एक्स विथ यूएस कैरियर जो नेवी है वो पासक्स जो एक्सरसाइज है वो यूएस का जो नेवी एयरक्राफ्ट है वो अक्टूबर ट्वेल्व को इंडिया के नेवी सिप्स विल होल्ड द पैसेक्स विथ यू एस रोनाल्ड रिगन ऑन अक्टूबर ट्वेल्व एज इट ट्रांजिट थ्रू द इंडियन ओशन जो कि इंडियन ओशियन से पास होके जाएगा और अभी पहले भी न्यूज़ आई थी कि जो सेप्टेम्बर ट्वेंटी फाइव में जो फर्स्ट टाइम जो यू एस नेवी का एट पी लॉन्ग रेंज मैरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो पोर्ट ब्लेयर में लैंड हुआ था और उसके बेसिस पे उस पर जो फ्यूलिंग रीफ्यूलिंग की गई थी अंडर द्रल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट द नेक्स्ट न्यूज इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्टाफ स्टिर इज ऑफ अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसका इशू क्या है कि ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज हैं उसका इशू एक बार देख लेते हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो अभी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है तो उनकी जो फोर्टी वन फैक्ट्रीज हैं उसमें अगर उनको कोई भी चेंजेस करने होते हैं डे टू डे बेसिस पे तो उनको कैबिनेट का अप्रूवल हर बार लेना पड़ता है तो उसके बेसिस पे ये काम थोड़ा टफ हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कॉरपोरेटाइजेशन कर रही है जैसे जो कोई भी जैसे ओ कंपनी होती है तो उसको अगर डे टू डे डिसीजन लेना है तो वो कैबिनेट के पास नहीं आएगी बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ कारपोरेट कंपनी तो वैसा इसका कॉरपोरेटाइजेशन किया जा रहा है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है देन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ओ जो है इसकी फोर्टी वन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व में स्टैब्लिश हुई थी इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में अब जो गवर्नमेंट है उसको प्लान कर रही है कि इसको डी पी एस यू बना दिया जाए तो विच इज़ हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन अब जो कॉरपोरेटाइजेशन है इससे जो ओ एफ बी एज पर अदर डी पी एस यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिससे कि इसको ऑपरेशनल फ्रीडम मिल जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी डिफेंस जो अभी यहाँ पे प्रेजेंटली बहुत लैकिंग है अब जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व में बनी थी जब जो डच कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन्होंने गन पाउडर फैक्ट्री फैक्ट्री बनाई थी ईचापुर बंगाल में तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे चाइना प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस नेवी मिसन इन साउथ चाइना सी तो जो चाइना है वो यूएस आ, की आ, यूएस को जो है वो काउंटर कर रहा है उसके बेसिस पे ये न्यूज़ है नाउ साइंस पेज से देख लेते हैं न्यूज़ बायोलॉजिकल प्लांट वायरस आर्म रेस अनकवर्ड अब न्यूज़ क्या है इधर पे जो प्लांट है और जो वायरस है उनके बीच में किस तरह से कोई फाइट जो है वो होती है कैसे एक वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है प्लांट उसको अपोज करता है फिर वायरस फिर उसको अल्टीमेटली इन्फेक्ट कर देता है तो उसके बेसिस पर यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं देट वी कैंसी ये जो वायरस है वो एक जेमेनी वायरस जो है ट्वेंटी नैनोमीटर बहुत छोटा ही जो ये वायरस होता है अब जो प्लांट और वायरस हैं वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हैं रेस में रेस टू आउट टू वन एंड अदर और जो उनकी लाइफ्स है वो लिटरली उस पर डिपेंड करती है ये नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो है बेंगलुर उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो वायरस बिटवीन द वायरस कॉल्ड सिंड्रेला येलो वाइन क्लियरिंग वायरस एंड द प्लान्ट अटैक्स द वायरस वॉज इस वायरस को आइसोलेट किया गया फ्राम द प्लान नेम सेंड्रेला नोडी फ्लोरा और ये इन्फेक्ट कर सकता है टोबैको ऑटोमेटो प्लांट्स को इस जो ये वायरस है वो बैगो मोबो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है बैगोमोबो वायरस जो है वो लार्ज फैमिली है जिसमें कि फोर हंड्रेड मेम्बर्स हैं तो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है इवन जो कोरोना वायरस है उसकी साइज़ भी इससे फाइव टाइम्स ज़्यादा बड़ी होती है तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है अब यहाँ पे स्टडी सेज़ दैट एंटीबॉडी का जो कॉकटेल है द मीनिंग ऑफ कॉकटेल कॉकटेल मीन्स अ मिक्सचर ऑफ टू थ्री एंटीबॉडीज़ तो जो एंट्री एंटीबॉडी का जो कॉकटेल है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है जो कि रिकस मकैक होता है और ए, जो है हेमस्टर होता है उसके बेसिस पे ये जो है रिसर्च की जा रही है जो एक्सपेरिमेंटल एंटीबॉडी कॉकटेल अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको भी एडमिनिस्टर की गई है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है एंटीबॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इम्यूलोग्लोबिन्स जो हैं वो फाइव डिफरेंट आइस उनके टाइप्स होते हैं और ए क्लासिफिकेशन जो है वो उनके एच चेन के बेसिस पे है अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं सबसे पहले आई जी एम इन इम्यूनोग्लोब्यून एम जो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि माइक्रोबियल अटैक के रिस्पॉन्स में जो ये है सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है ये सर्कुलेट होती है ब्लड में और लिम्ब में और ये टोटल एंटीबॉडी कंटेक्शन का सिक्स परसेंट जो है वो होल्ड करती है आईजीएम मोस्ट अबंडेंट आइसोट आइसोटाइप इन प्लाज्मा और ये एट्टी परसेंट जो है वो टोटल एंटीबॉडी कंटेंट को होल्ड करती है सीरम में जो भी डिटॉक्स हार्मफुल सब्सटेंस है उसको डिटोक्सीफाई करती है अगेंस्ट एंटीजन कॉम्प्लेक्स और ये जो है ट्रांसफ़र होती है प्लेसेंटा से फीटस में जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ट्रांसफ़र होती है प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट अनटिल इट्स वर्थ आई जी जी जो है वो फोर टाइप्स की हो सकती है आई जी वन टू थ्री फोर जो आई जी थ्री है और आई जी जी फोर है वो एबिलिटी करती है कि वो प्लेसेंटा से क्रॉस हो सके यूजअली फाउंड होती है ये लिक्विड में आई जी ए ब्रेस्ट मिल्क सीरम सलाइवा फ्लूड्स ऑफ इंटेस्टाइन आई जी एस ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्ट द इनफेक्ट ऑफ इन्फेक्ट गेस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी और आई जी टी एन आई जी ई इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है देन यू एस यूनिवर्सिटीज़ रिलाई ऑन रैपिड टेस्ट फॉर सेफ कैंपस रिटर्न जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एलनोइस एंड एट एंड अदर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो है रेपिड जो एंटीजन टेस्ट है वो परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोरोना uh, वायरस के अफेक्ट से बता बचाया जा सके तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी जो एफ़िकेसी है या जो भी उससे रिज़ल्ट uh, मिलता है वो आरटीपीसीआर टेस्ट से तो कम है बट इसमें जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में जो टेस्ट है वो हो जाता है तो उसके बेसिस पे ये पर वीक में टू टाइम्स ऐसा टेस्ट किया जाता है हर पर्सन का जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है थैंक यू वेरी मच